अलवर न्यूज के रिपोर्टर युवराज शर्मा को एडवोकेट जितेंद्र शर्मा, जिला संयोजक वसुंधरा रसोई ने बताया कि महिला चिकित्सालय अलवर में भर्ती सभी प्रसूताओं, जच्चा बच्चा को एवं उनके साथ जो देखभाल कर रही महिलाओं को 200 भोजन की थालियों का वितरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह ने किया। महिला चिकित्सालय के स्टाफ के सहयोग से भोजन की थाली के साथ साथ सैनिटरी पैड का भी वितरण किया गया। ये हमने पहल चलाई थी कि कोविड के अंदर लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, उनको परेशानी को किस प्रकार हम दूर कर सकें, उसके अंदर एक हमने प्रयास किया है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामह, एक छोटी सी पहले कोई भूखा ना सोए, तो आज इसके अंदर गीतानंद शिशु हॉस्पिटल राजकीय चिकित्सालय के अंदर आज जनाना महिला एक जननी होती है, माँ होती है, उस माँ को भी हमने चाहा कि प्रेग्नेंट समय के अंदर उनको अच्छा भोजन मिले, उनसे उनका स्वास्थ्य बढ़िया बने, बच्चा स्वस्थ रहेगा, माँ स्वस्थ रहेगी तो देश भी स्वस्थ रहेगा, ऐसी भावना करते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब राजेंद्र सिंह जी और सारा जितना भी मेडिकल स्टाफ है इन सब लोगों ने आज सहयोग किया। सैनिटरी पैड भी हमने इनको दिए हैं और भी सैनिटरी पैड के कई कार्टून हमने इनको दिए हैं। आने वाले समय में यदि सैनिटरी पैड की और किसी की आवश्यकता होगी तो हमारी टीम सारे अधिवक्ता तेज सिंह जी, महेश जी शर्मा, अपने अनिल शर्मा जी, अभिषेक शर्मा जी, यासीन पहलवान जी, राजेश जोशी जी, फौजी भाई, बहुत बड़ी टीम है हमारी। हम पूरे शहर में इस तरह का छोटा मोटा काम करते रहें जिससे आम जन की, जरूरतमंद लोगों की समस्याएं दूर कर सकें और उनके दुख को बांट सकें। सुख बांटने हर कोई आता है, दुख बांटने कोई नहीं आता। तो हमारा कोविड के अंदर यही पहल है और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार ये महामारी का रूप धारण करने की जैसी संभावनाएं चल रही हैं डेल्टा डेल्टा की, उनके लिए भी हम लोगों को जागरूक करेंगे, अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं जिससे कि इस महामारी को हम रोक सकें। जय हिंद, जय भारत। राज्य द्वारा यहाँ भोजन बांटा गया है और सेल्फी पैक बांटे गए, क्या कहेंगे सब सरकार? आज अलवर में महिला चिकित्सालय में आज भेजी हुई, जिसमें हमारे साथी जो है अधिवक्ताओं की ओर से हमारे जितेंद्र जी ने लीड किया है और यहाँ के डॉक्टर साहब जो हैं और इन्होंने जो है जो जरूरतमंद जो महिलाएँ हैं जो प्रेगनेंट थी और अभी भी जिनके बच्चे हुए हैं उनको जो सैनिटरी पैड और खाने का पूरा पैकेट सील्ड पैकेट हाइजीनिक जो रसोई से बन के आया हुआ था, पिछली बार हमने उस किचन का भी निरीक्षण किया था और काफ़ी हाइजीनिक पैमाने बहुत अच्छा खाना बन रहा है। वही खाना आज पैक होके जितेंद्र जी और उनकी जो पूरी जो टीम है और यहाँ के डॉक्टर के सहयोग से सारी महिलाओं को जो दिया गया है और जो सैनिटरी पैड की भी व्यवस्था इनके लिए की गई है जो काफ़ी यूजफुल चीज़ें जो अभी अभी जो माँ बनी है, तो ये प्रयास और कोविड-19 में ऐसा प्रयास जिसकी तारीफ करनी होगी क्योंकि इस समय में जो है लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए जो आएगा वही अच्छी सोसाइटी के लिए वही सेवा मानी जाएगी। तो आज महिला चिकित्सालय में ये काम हुआ है, बहुत ही समाज सेवा का काम है और उसमें हमारे अधिवक्ता गणों की जो ओर से जो हमारे जितेंद्र जी ने काफ़ी सहयोग किया है, डॉक्टर साहेबान का यहाँ काफ़ी सहयोग रहा है, यहाँ के नर्सें जो स्टाफ है, अच्छा मैंने निरीक्षण भी किया है यहाँ का तो काफ़ी जो है वार्ड वगैरह हैं काफ़ी साफ क्लीन और किसी भी तरह की कोई यहाँ महिलाओं को समस्या नहीं है। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ समस्या है, डॉक्टर्स ने हमें बताया उसके बारे में हम जो है कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे और सुविधाओं को यहाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे।